मैं जो मुझे याद है तो पढ़ देता हूँ। जैसे लोग गणेश जी का नाम लेते हैं शुरू करते हुए, मैं कुछ कविताएं पढ़ देता हूँ तो आत्मविश्वास आ जाता है। तो एक कविता है मरना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। दूसरी कविता मैं फिर से याद से ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अक्टूबर का जो शुरू का महीना होता है, 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक, मेरे जैसे बूढ़े होते हुए लोगों के की स्मृति में, यादों में गांधी जी रहते हैं अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, 30 जनवरी तक। तो वह गांधी जी पर एक कविता लिखी थी पहले बहुत बचपन में। गांधी जी कहते थे अहिंसा, और डंडा लेकर पैदल सड़क पर घूमते थे। तीसरी कविता छोटी सी है, वो जैसा जीवन रहा है ये भी पुरानी है, एक कवि के लिए लिखी थी, उसका नाम मैंने हटा दिया क्योंकि बाद में कवियों में मित्रता नहीं रहा करती। उसका शीर्षक व्यवस्था। दोस्त चिट्ठी में लिखता है, मैं कुशल से हूं। मैं लिखता हूं, मैं सकुशल हूं। हम दोनों आश्चर्यचकित हैं। और दो तीन चार कविताएं पढ़ देता हूँ। अभी मैं आया तो आपने कहा कि, अशोक जी ने कहा कि जब भी मैं देखता हूँ आप घूमते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो कविता पढ़ दूँ, कि मैं बताऊँ मैं क्यों घूमता रहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूं, इसका शीर्षक है घर। इस समय जब कोई भी वाक्य पहले का अर्थ नहीं देता, मैं कहना चाहता हूं मैं घर जाना चाहता हूं। यह मेरी आत्मा और मेरे हृदय की आवाज है, अगर ऐसी चीजें अब भी बची हैं तो। इस समय जबकि घर का वह अर्थ नहीं रहा, जबकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जबकि शीशम के पेड़ नहीं रहे और सरौतियां और पहले वाली बूढ़ियां नहीं रहीं, इस समय जबकि बच्चे लालटेन के चित्र किताबों में देख रहे हैं, इस समय मैं शायद बहुत मलिन, बहुत भावुक और बिल्कुल बच्चा हो रहा हूं, यह जानते हुए भी मैं कह रहा हूं मैं घर जाना चाहता हूं। मेरी आत्मा की आवाज है यह, जबकि घर रोजगार नहीं है, जबकि घर की कोठरियों में बाजार नहीं लगा है, जबकि घर से दूर मेरा शरीर खुद एक घर है बाढ़ में डूबा हुआ, जबकि इस घर में भी कई प्राणी बसते हैं, इस समय जबकि घर की ओर जो ताकता है वह नष्ट हो रहा है, जो उस दिशा को जा रहा है वह हार रहा है, और यथार्थ उसे निर्ममता के साथ बहुत सरलता से मिटा रहा है। जबकि सब लोग घर छोड़ छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, जबकि कूच की तैयारी है, सब सामान बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं घर जाना चाहता हूं। जबकि इस वाक्य के सारे हिस्से अनिश्चयवाचक हैं, मुझे पता है ये वह अर्थ दे भी नहीं रहे हैं जो आप ले रहे हैं और जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। इस समय सिर्फ मेरा हृदय जानता है कि किस हाल में मैं इस वाक्य का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वे जानते हैं जो मेरी तरह इस समय अपने अपने घर जाना चाहते हैं। और एक और थोड़ा सा थोड़ी लंबी कविता है,
और ये भी शरीर के ही बारे में। मेरा एक डॉक्टर दोस्त जो एक अत्यंत प्रखर कवि भी है कहता है, यह हमारा शरीर केवल एक जीवित इकाई नहीं, कई सौ जीवित इकाइयों का एक जटिल और अद्भुत तकनीक से संयोजित एक कमाल का संगठन है। किसी बहुत विकसित राज्य के असंख्य संस्थानों, न्यायपालिकाओं और कार्यपालिकाओं, हजारों विधि विधानों और करोड़ों नागरिकों की सैकड़ों भाषाओं और उनकी अनगिनत क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा हर नागरिक की अत्यंत मौलिक व्यक्तिगत विशेषताओं के तमाम समग्र जटिल संश्लिष्ट अंतः संबंधों से भी ज्यादा जटिल रहस्यपूर्ण और संश्लिष्ट है शरीर की इन इकाइयों का अंतर संबंध। और किसी राज्य के अस्तित्व की तरह ही अनगिनत संयोगों और संभावनाओं पर टिका है हमारा जीवन। उस डॉक्टर दोस्त के अनुसार हमारे शरीर के हर अंग का अलग है एक जीवन, एक अपना अलग स्वभाव, अलग चरित्र, अलग किस्म की जरूरतें और एक अलग इतिहास। मेरा ही उदाहरण लीजिए, मेरी दाई आंख ने ज्यादा जो दुख झेले हैं अपने जीवन में, सबसे ज्यादा उसी में आया करते हैं आंसू। बायां हाथ ज्यादा कांपता है दाएं के मुकाबले, वह अधिक बूढ़ा हो रहा है अपनी उम्र से पहले। गले में जहां कभी हुआ करता था संगीत, एक अंधा कुआं है जिसमें से आती है मरे हुए पानी की भर्राई हुई आवाज। बीमार और ढीली होकर तलवे तक गिर चुकी है आत्मा, जिस पर असर नहीं करती न दवाएं न दुआएं। हर यात्रा में हर बार चुभती है कोई कील। घुटने जानते हैं सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं ये सारा संसार। इतिहास में दाखिल होने के पहले फिसल ही जाएगी कटोरी। रहा मस्तिष्क, उसकी भी अलग आत्मकथा है। उसके कई हिस्से अभी तक उपनिवेश हैं किसी अन्य साम्राज्य के। कुछ हिस्सों में दिखता है कोई स्वप्न, कोई दूर या दूर कहीं जलता है कोई बल्ब और अचानक बुझ जाता है। एक गम है रोजगार का, बुखार है मेनिंजाइटिस का, उसमें आती हैं गड्ढ मड्ढ स्मृतियां और चीखते हैं तमाम कोटरों में करोड़ों लोग, यह उक्त रक्तचाप है, कहता है डॉक्टर। आमाशय ने बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं। जीभ की स्मृति में बार बार कौंधता है माँ का चेहरा, चूल्हे की मध्यम आंच में चंद्रमा सा, धुएं और भूख के पार के आकाश में दीप्तिपाता गल रही है किडनी तंबाकू के निकोटीन में। समाज की तरह ही मेरे शरीर में भी हो रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन। मेरे नियंत्रण से दूर और स्वायत्त, अपने ही नियमों में निमग्न, मेरे विचारों, मेरी रचनाओं, मेरी आकांक्षाओं और सिद्धांतों से बिल्कुल अप्रभावित। मैं हूं एक दर्शक फकत अपनी ही दुनिया और अपनी ही देह का, अपनी ही मरम्मत में लगातार व्यस्त। कई सौ अंगों का चलता फिरता एक जटिल समुच्चय है, अपने इतिहास और रोगों को ढोता एक समस्याग्रस्त ढांचा। इस दिशा से उस दिशा किसी उम्मीद में, किसी उन्माद में कभी भागता कभी दौड़ता एक उत्पीड़ित गुलाम गणराज्य। किसी दिन अपनी ही इच्छा या अपने ही दुखों से निष्पन्द हो जाएगा कोई एक अंग, या हो जाएगा इतना स्वतंत्र कि तहस नहस हो जाएंगी बाकी सारी संरचनाएं। कहा जाएगा, कल तक तो ठीक ठाक था, देर रात तक लिखता रहा कविताएं, बिल्कुल भला चंगा था, बस दगा दे गया दिल। अभी कभी की कुछ कविताएं पढ़ लेता हूँ। दरअसल मैं फेसबुक में लिखता हूँ क्योंकि कहीं छपाते हुए डरता हूँ, कविता हम लोगों के लिए वर्जित इलाके करेंगे।
जहां भी कोई गिरा, इसका शीर्षक है कवि, कवि हिंदी का कवि खासतौर से। जहां भी कोई गिरा, जरा भी डगमगाया, वह चाहता था कि कानून उस पर कार्रवाई करे। वह व्यवस्था का पक्षधर था मनुष्य के गिरने के विरुद्ध। व्यक्ति की हर कमजोरी के खिलाफ वह कानून का तरफदार था, लेकिन वह चाहता था कि उसकी कविताएं व्यवस्था द्वारा नहीं, मनुष्यों द्वारा पढ़ी जाएं। दूसरा है भरोसा, ये भी जरा ऐसी है। कब झोला फट जाए, भरोसा, कब झोला फट जाए, कब सिग्नल गिर जाए, कब बिजली चली जाए, कब किराएदार मकान छोड़ जाए, पड़ोस की लड़की भाग जाए, कब स्टेट बैंक का बंदूकधारी गार्ड गणेश प्रताप सिंह मोहम्मद यासुद्दीन बन जाए, कब दंगा हो जाए, कब आत्मा मटके की तरह फूट जाए, कब नोट बदल जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, छर्रे से किसी की आंख फूट जाए, साधु ठग निकल आए, बैंक बंद हो जाए, कतार में खड़ी खरे सर की अम्मा मर जाए, जहाज का मालिक विदेश भाग जाए, कब कोई रास्ता राह भटक जाए, कब गाज गिर जाए, ओला पड़ जाए, कब बुखार में तराह कराहता कोई जेल चला जाए, कब कविता लिख जाए, कब कोई उसे पढ़ पाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कब सारी जिंदगी की हिंदी हो जाए, कब प्रधानमंत्री जोकर बन जाए, हर हाथ ताली बन जाए, कब सिग्नल गिर जाए, बिजली चली जाए, कब सांस छूट जाए, कब क्या हो जाए, किसी भी बात का भला क्या भरोसा। एक और पढ़ देता हूं। मैं जीना चाहता हूं, कविता में हार कर विचारों में विजेता मैं नहीं होना चाहता। कविता में हार कर विचारों में विजेता मैं नहीं होना चाहता। कविता में जीत कर विचारों में हारना नहीं चाहता। जीवन में हार कर मृत्यु के सामने नहीं करना चाहता आत्मसमर्पण। मृत्यु से डर कर जीवन की दास्ता यहां नहीं करनी मुझे। सिर्फ जीने के लिए मृत्यु से हारूंगा नहीं, मुझे जीवन से प्यार है मृत्यु से हारे बिना। एक और पढ़ देता हूं। दुआ, एक पढ़ देता हूं। नागरिक स्वतंत्रता, मैंने समुद्र की प्यास बुझाने के लिए नहीं खोदा अपने घर में आंगन का कुआं। मैंने समुद्र की प्यास बुझाने के लिए नहीं खोदा अपने घर में आंगन का कुआं। अघाए लोगों के लिए कभी नहीं पकाई खिचड़ी, कवियों के लिए नहीं लिखी कविताएं। मैंने अंगीठे में झोंकने के लिए नहीं जलाए रखी अपने भीतर इतने वर्षों से आग। मैं जला खुद ही राख होने के लिए। मैं हंसा क्योंकि हंसी आ रही थी मुझे, यह विश्वास करते हुए कि हंसना अभी भी नहीं है कोई अपराध, यह भरोसा करते हुए कि हंसना गंभीरताओं के विरुद्ध कोई संविधान विरोधी हरकत नहीं है। गंभीर रहे हैं विद्वान, उसी में होती है दौलत और उसी में होती है ताकत। बस जरा सा हंसने दे मुझे, मूलभूत नागरिक अधिकार। महोदय, नहीं हूं किसी कोने से भी मैं कोई आतंकवादी। एक दो कविताएं और। फिलहाल एक गत्ते का आदमी बन गया था लौह पुरुष, बलात्कारी हो चुका था संत, व्यभिचारी विद्वान, चापलूस क्रांतिकारी, मदारी को घोषित किया गया था युग प्रवर्तक। अखबार और चैनल चीख चीख कर कह रहे थे आ गई है सच्ची जमहूरियत। जहां सबसे ज्यादा लाशें बिछी थीं, वहीं पर हो रहा था लगातार विकास। जो बैठा था किसी उजड़े पेड़ के नीचे पढ़ते हुए अकेले में कोई बहुत पुरानी किताब,
वही हो गया था संदिग्ध, उसकी हो रही थी लगातार निगरानी। हम अंतिम पढ़ देता हूं। डर कहां से आया ऐसा वायरस, फियर वायरस, किस सरान से भरे गंदे बजबजाते परनाले से, नगर पालिका के कूड़ा कचरा घर से, कूलर कुंड कुएं बांध बावड़ी के ठहरे हुए बासी विषैले पानी में जन्मे अजनबी किसी मच्छर के दंश से, किसी दुश्मन देश के बायोजेनेटिक लैब से, गुरु मंगल चंद्रमा शनि शुक्र जैसे किसी सुदूर पराये ग्रह नक्षत्र उपत्यका से, कोई उल्का या कोई उड़न तश्तरी किसी असगुन वाली रात फेंक गई इसे धरती पर। कैसा डरावना है यह दौर, हर किसी के रोए खड़े हो रहे हैं, शिराओं में दौड़ रही है झुरझुरी, हर किसी नियति निर्दोष नींद में भर गए हैं डरावने दुस्वप्न। दूसरों को देखते ही हर किसी की आंखों में है खौफ, कहां से आ गया ये बैक्टीरिया सर्वव्यापी। मुस्कुराहटें धोखा, विनम्रता कपट, वायदे छल, फकीरी लुटेरों का सम्मानित यूनिफॉर्म, पुलिस डाकू, विद्वान चाटुकार, संत बलात्कारी, कवि जुगाड़ू, एकता माफिया, नेता अपराधी, प्रतिभाएं ठग, हुनरमंद हैकर्स, ऐसी महामारी इतिहास में शायद कभी देखी नहीं गई। प्लेग, हैजा, कालरा, चेचक, एड्स में भी प्राण भक्षी रोगाणु, परमाणु उपकरणों से भी व्यापक विध्वंसकारी। बूढ़ा बाप अपने बेटे से सुरक्षा के लिए सरकार को भेजता है अर्जी, औरत अपने पति के डर से भागकर अजनबी किसी शहर में खोजती है अपना ठिकाना, फरहाद रोता है अपने घुटनों पर टिका हुआ, शीरी के सामने खोलता अपना कलेजा। मैंने अपनी हजारों हसरतों, करोड़ों जिंदगियों के सारे ईमान से भी ज्यादा टूट कर बिखर कर हर जन्म मर मर कर तुमसे ही किया है बेइंतहा प्यार। हर आशिक नहीं हुआ करता मुजरिम, हर गम और गुस्से के जेब में नहीं होती है तेजाब। शुक्र है कि जूलियट अपने कांपते होठों से अब भी चूमती है रोमियो का माथा, महिवाल जब डूबता है मिट्टी के कच्चे कपटी घड़े के साथ, बाढ़ में उमड़ती नदी के भंवर जाल में घाट पर सिर पटकती आज भी रोती है सोनी। प्यार अभी भी है डर का सबसे बड़ा एंटीडोट, दुआएं आज भी करती हैं दवा का काम। अब अंतिम पढ़ दो। किसी ने कहा कि इसको जरूर पढ़िएगा, इसे मैं पढ़ देता हूं। यह बचाओ, ये अपने अग्रज कवि ज्ञानेन्द्र पति जी के लिए लिखा था। बचाओ, चिंता करो मूर्धन्य शाकी, चिंता करो मूर्धन्य शाकी, किसी तरह बचा सको तो बचा लूंगा। देखो कौन चुरा कर लिए जा रहा है खड़ी पाई और नागरी के सारे अंक, जाने कहां चला गया ऋषियों करी, चली आ रही है इस्पात फाइबर और अज्ञात यौगिक धातुओं की तमाम अपरिचित अभूतपूर्व चीजें, किसी विस्फोट के बादल की तरह हमारे संसार में बैटरी का हनुमान उठा रहा है प्लास्टिक का पहाड़, और बच्चों के हाथ में बोल रही है कोई डरावनी सी चीज डींप डींप डींप। बचा लो मेरी नानी का पहियों वाला काठ का नीला घोड़ा, संभाल कर रखो अपने लट्टू पतंगे, छुपा दो किसी सुरक्षित जगह पर, देखो हिलता है पृथ्वी पर अमरूद का अंतिम पेड़, उड़ते हैं आकाश में पृथ्वी के अंतिम तोते, बताएं सारे विद्वान मैं कहां पर टांगू अपने दादा की मिर्जई, किस संग्रहालय को भेजूं पिता का वसूला, माँ का करधन और बहन के बिछुए मैं किस सरकार को सौंपू हिफाजत के लिए। मैं अपील करता हूं राष्ट्रपति से कि वे घोषित करें खिचड़ी ठठेरा मदारी लोहार किताब भड़भूंजा कवि और हाथी को विलुप्त प्राय राष्ट्रीय प्राणी,
वैसे खड़ाऊं, दातून और पीतल के लोटे को बचाने की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। रथ, राजकुमारी, धनुष, ढाल, तलवार और तांत्रिकों के संरक्षण के लिए भी जरूरी नहीं है कोई कानून। बचाना ही हो तो बचाए जाने चाहिए। गांव में खेत, जंगल में पेड़, शहर में हवा, पेड़ों में घोंसले, अखबारों में सच्चाई, राजनीति में नैतिकता, प्रशासन में मनुष्यता और दाल में हल्दी। क्या कुम्हार धर्मनिरपेक्षता और एक दूसरे पर भरोसे को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता संविधान में कोई संशोधन? सरदार जी, आप तो बचाइए अपनी पगड़ी और पंजाब का टप्पा। मुल्ला जी, उर्दू के बाद आप फिक्र करें कोरमे के शोरबे का जायका बचाने की। इधर मैं एक बार फिर करता हूं प्रयत्न, शायद आखिरी बार, कि बच सके तो बच जाए हिंदी में समकालीन कविता।